दोस्तों, वैसे तो हमारे सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कई देशों में होती है, परंतु आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी पूजा खुद चाइनीज लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज लोग। दोस्तों, चाइनीज लोग भी हमारी माता काली की पूजा करते हैं। दोस्तों, भारत में पूजी जाने वाली काली माता का चमत्कार चीनी लोग भी मानने लगे हैं और उन्हीं के द्वारा एक मंदिर के निर्माण में सहयोग किया गया है। दोस्तों, उस मंदिर का नाम है चाइनीज काली मंदिर। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज काली मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर कोलकाता के टंगरा में स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर ब्रिटिश शासन के समय से ही है, काफी पुराना है और इस जगह को चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर के बनने में चीनी लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। अंग्रेजों के समय बहुत सारे चीनी परिवार व्यापार के लिए इस जगह पर रहते थे। दोस्तों, उन चीनी परिवार के साथ कई हिंदू परिवार भी साथ साथ रहते थे। तो दोस्तों, वहाँ की जो हिंदू परिवार थे, हिंदू परिवार उस समय एक पेड़ के नीचे काली माता की प्रतिमा को रखकर पूजा किया करते थे। एक बार एक चीनी परिवार का बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। दोस्तों, डॉक्टर के इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ। तब उस चीनी परिवार ने माता काली से विनती की, तो दोस्तों, माता काली के आशीर्वाद से वह बच्चा पूरा ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, सारे वहाँ के जो चीनी परिवार थे, सारे चीनी परिवारों में माता की आस्था बढ़ गई और उन्होंने माँ काली का आभार व्यक्त किया। और दोस्तों, इसी खुशी में सारे चीनी परिवारों ने मिलकर के वहाँ पर माता काली का भव्य मंदिर बनवाया। तो दोस्तों, इस मंदिर में भारत के काली माँ के भक्तों के अलावा चीन से भी बहुत सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। दोस्तों, मंदिर में आज हिंदू लोग के अलावा वहाँ पे रह रहे चाइनीज लोग तो पूजा करते ही है और साथ ही स्पेशल चाइना से भी लोग पूजा करने के लिए, माता के दर्शन के लिए आते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ का विशेष प्रसाद के बारे में, जो कि दोस्तों काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, यहाँ का जो प्रसाद होता है वह होता है चाइनीज फूड का। दोस्तों, इस मंदिर में माता देवी को, काली माता को प्रसाद के रूप में दोस्तों चाइनीज फूड का भोग लगता है। जी हाँ दोस्तों, जो चाइनीज फूड हम खाते हैं, जैसे कि दोस्तों नूडल्स, मंचूरियन, मोमोज, राइस इत्यादि जो चाइनीज फूड होते हैं दोस्तों, इन सभी का भोग माता काली को लगता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो आपको भी चाइनीज फूड का प्रसाद मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में एक ना एक बार अवश्य इस चाइनीज काली माता का मंदिर का दर्शन करिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तथा आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।